एनएससी में भाव आ चुका है, इंडिकेटिव के भाव आने शुरू हो गए हैं एनएससी में। 9703 ये इंडिकेटिव का प्री ओपन का पहला भाव है और आईसीआईसी बैंक करीब फ्लैट टू नेगेटिव बायस अभी कामकाज कर रहा है। ये जो भाव आप देख रहे हैं ये एनएससी पर इंडिकेटिव का भाव आना शुरू हुआ है और शुरुआती टिक्स जो इंडिकेटिव पर आ रहे हैं उसमें आईसीआईसीआई एसीसी फ्लैट टू नेगेटिव बायस कामकाज करते हुए, अदानी पोर्ट में भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव टू कामकाज हो रहा है, अंबुजा सीमेंट करीब आधा परसेंट ऊपर कामकाज करता है 254 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, एशियन पेंट्स भी करीब 1.4% ऊपर है 1118 के स्तरों पर यह भी कामकाज करते हुए, अरविंदो फार्मा फार्मास्यूटिकल स्पेस में वैसे भी बाइंग और अरविंदो फार्मा पार्टिसिपेट करता हुआ आधा फीसदी की बढ़त देखी जा रही है, और एक्सिस बैंक भी करीब 3/4% ऊपर कामकाज करते हुए, और बजाज ऑटो रफली 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। बैंक्स में मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव, फार्मा फ्लैट टू पॉजिटिव और ऑटो में खरीदारी देखने को मिल रही है 2739 के लेवल पर, बजाज ऑटो भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी 9704 के लेवल पर अभी कामकाज करते हुए, इनफैक्ट जो शुरुआती टिक्स हैं उसमें बहुत ज्यादा यहां पर टिक्स तो नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी 38 अंक ऊपर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। एक्चुअली इसमें जो इंडिकेटिव टिक्स होते हैं ना एक प्राइस डिस्कवरी के लिए हुआ करते हैं, यूजली करीब 9 बजे शुरू हो जाते थे क्योंकि एक बार वो ऑलरेडी पहले भी होता हुआ दिख रहा था उसमें अपडेशन की दिक्कत आ रही थी, इसलिए शायद आज प्री इंडिकेटिव टिक्स के अंदर आपको ज्यादा मोमेंटम दिखे भी नहीं क्योंकि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ये एक बार कहेंगे कि पहले टिक्स आ जाए, प्रॉपरली वर्किंग होना शुरू हो जाए फिर सौदा मारा जाएगा, इसलिए प्राइस डिस्कवरी अपने आप में कुछ अहमियत रखती नहीं है आज क्योंकि आपको एक विंडो तो वैसे ही खुली हुई है बीएससी वाली जहां से आपको पूरी बाजार की रिदम समझ में आ रही है कि एनएससी भी पूरा ट्रेड कैसे हो रहा है, कौन से शेयर चल रहे हैं, कौन से शेयर टूटे हुए हैं, ये सारा आपको बीएससी से वैसे ही आइडिया लग रहा है, तो इसलिए इंडिकेटिव के अंदर जो टिक्स होंगे वो आज बेहद लिमिटेड होंगे क्योंकि ज्यादा कारोबार एनएससी पर ही होता था, एनएससी पर ही दिक्कत है, इसलिए इंडिकेटिव टिक्स के अंदर आज शायद ज्यादा मोमेंटम ना आए, एक बार टिक जब रियल टर्म में आ जाएंगे तब होगा क्योंकि अगर आपके पास बीएससी की विंडो नहीं होती तब आपके पास ये टिक जरूर ज्यादा होते हैं, लेकिन आपके पास बीएससी की विंडो है जो कि एक्चुअली ट्रेड करवा रहा है, 2 गुना ज्यादा ट्रेड करवा चुका है, 10 गुना करवा सकता है, इसलिए एनएससी के अंदर कोई इंडिकेटिव में ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टी बनेगा नहीं, इसलिए इंडिकेटिव आप देखेंगे फ्लैट रहेंगे, इसलिए कई बार आप भी कंफ्यूज मत होइएगा और वैसे भी समझदारी इसी में है कि 11:15 बजे के बाद ही सौदे डाले जाएं, पहले सौदे कम डालिएगा, डीलर से पूछ लीजिएगा मार्जिन में चेंज तो नहीं है, डीलर से पूछ लीजिएगा पे आउट पेन में कोई दिक्कत तो नहीं खड़ी होगी आज, तो इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, कैश और एफएनडो के सौदों को चले चेक कीजिए कि इसमें बिल्डअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप घर पे बैठे हैं ऑफिस में बैठे हैं अगर आपका कोई भी शंका है तो जी बिजनेस के साथ जुड़ जाइए, आपका कोई भी सवाल है कोई डाउट आपके मन में चल रहा है आप पूछ सकते हैं, फिलहाल इंडिकेटिव टिक बेहद सीमित दायरे के अंदर क्योंकि एक विंडो ऑलरेडी प्रेजेंट है। जी तो करीब 11 मिनट के अंदर अब जो मार्केट्स के अंदर उम्मीद लगाई जा रही है कि रेगुलर ट्रेडिंग जो है वो रिज्यूम हो जाएगी क्योंकि अभी जो टिक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से 47-48 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज कर रहा है और जैसे भी डिम्पी कह भी रहे थे कि जब तक मार्केट में थोड़ा सेटलमेंट नहीं होगा थोड़ा ट्रस्ट नहीं आएगा वैसे टिक्स नहीं आएंगे और वही हो रहा है, धीरे धीरे टिक्स जो है वो बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। 9704 पे पहला टिक आया था और वहां से चलते हुए 9714 के लेवल तक अब पहुंच चुका है।